तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, ये 5 करोड़ का बना हुआ जो बहुत पुराना है, इसमें 108 रूम है और इसी में इस बार सीताराम हो रहा है। पिछले बार इसका मंडप बना था 25,000 राम नाम जप के, लेकिन इस बार 2500 राम नाम जप को द्वारा इसलिए 108 मंदिरों में सीताराम का आयोजन किया गया है, जो हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए, अब हम इसके दूसरे साइड चलते हैं। अभी हम 108 जो मंदिर है उसमें हम जाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे सीताराम होता है। और अभी हम देखिए यहाँ पे आ गए इसके गेट पर, और अब अंदर जाकर दिखाते हैं। अंदर का अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 108 जो मंदिर है उसके द्वारा ये है जो भव्य प्रोग्राम जो सीताराम आयोजन किया गया था, उसका ये वीडियो है। और ऊपर तक देखिए इसका मंदिर, और अभी आप देखिए ये तपस्वी नारायण दास जी का जो मंदिर का भव्य प्रदर्शन है, ये बीच का सीन है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें हमेशा सीताराम होता रहता है। और अभी हम, और ये देखिए यहाँ हम अभी आ चुके हैं जिसमें हमेशा सीताराम होते रहता है। यहाँ पे माने शुरू से कार्यक्रम सीताराम 64 साल से लगातार इसमें सीताराम हो रहा है। और ये देखिए तपस्वी दास जी महाराज इसमें हमेशा से रहते हैं, लगातार कभी नहीं ये बाहर निकलना है। इसके बाहर से जो नज़ारा है ये इस तरह से है जो आप देख सकते हैं, बताएंगे जो 5 करोड़ रुपये की लागत है। और ये आप देख सकते हैं ये इसका जो बैक से आगे वाला से जो था वो सीन आपको दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो नया वाला धाम बना हुआ है, नया वाला जो धाम बना हुआ वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। ये 5 करोड़ रुपये की लागत से बना हुआ मंदिर है, जो हम आपको चलकर पूरा पूरा दिखाता हूँ। इस मंदिर में भगवान शिव की आस्था रखी गई है, प्रतिबिंब बनाई गई है। देखिए इसके आने की मूल रास्ता इस बगल से है, और इधर इसके जाने की रास्ता है जो हम आपको दिखाते हैं। और ये जग का जो पोस्टर कुछ है ये देख सकते हैं। और ये देखिए बगीधाम परिसर के अंदर में जो ये होता है पानी कुंड, जो कुंड जिसे कहा जाता है, वो कुंड इस तरह से है धाम के अंदर जाते हैं, जिसमें शिव भगवान की प्रतिबिंब बनाया गया है। देखिए ये कुछ नज़ारा इस तरह का है, चारों ओर भीड़ भी लगा है भक्तों का, और इसमें 5 ध्वज है। देखिए ये चल रहे प्रवचन की ओर, जो आपको हम दिखाएंगे जहाँ पे प्रवचन हो रहा है। और ये जो है वो नया वाला बना है जिसमें भोजन कराया जाता है भोजनालय। और ये देखिए यहाँ पे प्रसाद। अब मैं आपको जग के वो सारी जगह बताऊंगा जहाँ पे जग धूमधाम से हो रहा है, उस फील्ड के बारे में आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये दर्शक का भीड़ किस तरह से यहाँ पे, आपको हम पूरा हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा भक्तों का। ये देखिए इसलिए अयोध्या जी धाम जहाँ पे तपस्वी नारायण दास जी का भी पृथ्वी में वही जगह जिसका कुछ सामान भी यहाँ पे मिला, ये देखिए आप। और ये सब कार्यालय बनाया गया है जिसमें सब सामान मिलता है। अभी मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे ये महायज्ञ होता है, जो हवन कुंड बनाया गया है इस तरह के, जिसके बारे में हम पूरा चारों ओर से, ये देखिए अंदर का सीन इसका। ये दूसरे वाल का इसका एंगल इस तरह से, और ये देखिए तीसरा बगल से जो इसका ये सीन है कुछ इस तरह से, भक्तों का भी भीड़ बहुत तेज है। ये देखिए चौथा वाला इसका सीन इस तरह से है। अब ये सब हम आपको दिखा दिए, फील्ड का भी ये सीन देख लीजिए कुछ। और देखिए यहाँ दर्शक का भीड़ इस बार औरत लोग का है, और देखिए ये औरत लोग है यहाँ पे। और इस ज़्यादा भक्त यहाँ तपस्वी नारायण दास जी के महोत्सव पे, ये 5 साल पे जग किया जाता है यहाँ पे। और देखिए भक्तों का भी, और ये रोज का जो कथा प्रवचन है वो लाइव जाता है। और देखिए यहाँ पे परम पूज्य सुखदेव दास जी महाराज अभी कथा कर रहे हैं महाराज है। देखिए आप मनोजवम मारुत तुल्य वही तपस्वी नारायण दास जी महाराज का है।
जो विश्व लेवल पर कंपटीशन दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। देखिए यहाँ पे सीताराम का ओलन होने का, अब हम आपको ले चलते हैं मेला के उस भाग जहाँ पे सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया है खाने पीने का, और देखिए भक्तों का कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। टाइम से हम आपको दिखाते हैं, ये दूसरे बगल का सीन है और दूसरा देखिए ये उस बगल, दोनों बगल से यहाँ पे भक्त आते हैं, दो बगल से रास्ता है। और इस बगल हम आपको ले चलते जहाँ पे मेला लगाया गया है, जहाँ पे सब कुछ मिलता है। और देखिए अब हम आपको, और ये देखिए यहाँ पे गुलदस्ता वाले भैया भी है हमारे बग्घी धाम में जो जग लगा है, और ये लोग बहुत मेहनत से बहुत दूर से लखनऊ से आकर यहाँ बेचते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हजमोला टाइप का सभी कुछ यहाँ पे मिलता है, और हम आपको मेला के अंदर ले चलते हैं जहाँ के सारे सामान चीज़ें दिखा। आपको दिखाया यहाँ तक के मेला के सीन, और आगे भी आपको हम दिखाते हैं मेला का सीन किस तरह का है। और अभी आप देखिए बग्घी धाम मेला में, और आइए कल इसका लास्ट डेट है, अगर आप नहीं आए तो यहाँ पर आके जरूर आइए मिलिए, देखिए आप भी, क्योंकि कल लास्ट है। और ये 5 साल पे यहाँ पे हर बेर जग लगता है, तो कोशिश कीजिए आप लोग भी आने का यहाँ पे। यहाँ पे गमला वाले भैया है, यहाँ पे पूरा ऑल टाइप ऑफ गमला मिल रहा है। और देख लीजिए यहीं से आप, और हम आपको ले चलते हैं वहाँ पे प्रसाद वितरण के। ये सब घर भक्त लोग का है, देखिए सीता राम नाम संकीर्तन एवं आराधना मंडल वाले जो लोग इसमें रह रहे हैं देखिए। और कल ख़त्म हो जाएंगे, अपना खाना बना रहे हैं सभी लोग, देखिए चूल्हा जला रहे लोग खाना बना रहे हैं। और जैसा कि हमने जग के बारे में आपको हर एक चीज़ दिखाया, क्या जग में था क्या नहीं है और कब ख़त्म होगा, जैसा कि कल ख़त्म होने वाला, और हम आपको हर चीज़ दिखा दिए यहाँ पे। और मैं अब लास्ट में उस जगह को दिखाऊंगा जहाँ पे भक्त दूर दूर से आते हैं और अपना प्रसाद के रूप में जो भोजन बनता है वो खाते हैं। तो वो जगह देखिए, अभी प्रसाद तो स्टार्ट नहीं हुआ है प्रसाद, लेकिन अभी भोजनालय देखिए बाहर से पहले भी आपको अंदर ले जाते हैं, कुछ पल में यहाँ पर भोजनालय स्टार्ट होने वाला है। और देखिए यहाँ पे था, और पूरा वीडियो यहाँ के दिखाए जो 5 करोड़ रुपए की लागत से बना इस बार शिव मंदिर, और 108 भवन जो बहुत पुराना है तो पश्चिम नारायण दास जी द्वारा बनाया गया, और यहाँ पर जो 64 साल से लगातार सीताराम होते आ रहा है, यहाँ माने इतना रहस्यमय जगह है। और हम आपको आज जग के थ्रू बताए, और किसी दिन हम आपको बताएंगे पूरा जब जग खत्म हो जाएंगे कि इसमें क्या रहस्यमय है, हम हर चीज़ जानेंगे। और परम पूज्य सुखदेव दास जी महाराज और रामाज्ञा दास जी स्वर्गीय जो यहाँ, इस बार उसका निधन 2 साल पहले हो चुका था, उस सब के उपस्थिति में हर 5 साल पे तपस्वी नारायण दास जी के महोत्सव पे जग मनाया जाता है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और न्यूज़ के तहत ये हम नहीं बता सकते हैं तो ब्लॉग टाइप में बताएं, और अपना राय जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप बग्घी धाम बिहार के सीतामढ़ी में नहीं आए हो तो हमारे सीतामढ़ी में आइए, बहुत बहुत यहाँ टूर वाले यात्रा जैसे जानकी जी पुनौरा धाम और बग्घी धाम ये सब फेमस है, तो अब भी आइए कभी और देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा ये वीडियो पहुंचे और इस
सीतामढ़ी के पावन धरती पे आए बिहार में और देखे। जय हिंद।